दोस्तों आपके घर में कोई तांत्रिक सहायक तो नहीं ही। देख लीजिए, यदि घर के ऐसे हालात हैं तो घर में कोई बड़ी बाधा भी हो सकती है, किसी ऊपरी शक्ति का असर भी हो सकता है। जी हाँ, बहुत से घरों में बार बार सफर करने बाद भी घर में बिखराव के हालत बने रहते हैं। घर अंदर जगह जगह गंदगी और अव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं। उस घर की महिलाएं भी परेशान और बीमार दिखाई देती हैं। ऐसे घरों में पैसों की भारी कमी आने लगती है और गंदगी के कारण वहां पर देवता भी रुष्ट हो जाते हैं, अलक्ष्मी का वासा दिखाई देने लगता है। यदि आपके घर में ऐसे हालात हैं तो देख लीजिए कि घर के ऊपर किसी की कोई तंत्र की नज़र तो नहीं, या कोई बाधा तो नहीं, या किसी का ऊपरी असर तो नहीं। ऐसा होने पर घर को में नियमित रूप से गोमूत्र छिड़काव कीजिए, घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, घर में नियमित शाम को लोभान की धुनी कीजिए और घर के अंदर हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा।